तो जी होर वीडियो लेके आया जनाब थोड़े दिन अज इस वीडियो के रेगुलर प्रैक्टिस की गल करांगे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस की कुछ कराने की कुछ नहीं। तो सबसे पहले बच्चा आके नॉर्मली जिहड़े अपने राउंड लगाता वार्म अप राउंड कह दें इन उसे आप 20 राउंड होंगे बेसिकली किन्ने भी लगवा सकते हो बॉडी जिहड़ा अपनी हार्ट बीट है ओन कंट्रोल वास्ते लाइक वार्म अप होना सिर्फ। ठीक है जी, सैकेंड थिंग की है उस तो बाद थोड़े मोटे एक्सरसाइज हो गए स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज हो गई उस बाद आप पवाने स्केट बच्चों के स्केट पवा की कुछ कराने आप टाइम टाइम देखोगे। तो सब तो पहला की है स्केट्स पवा की एक्सरसाइज करवाने लैसन नंबर 1 जो पहले वीडियो भी अपलोड की हुई है बट इस भी आप दिखाने जिन्हें प्रॉपर डीपली देखना भी हाँ लैसन नंबर 1 किदा होएगा तो स्पेशल वीडियो देख सकते चैनल के जाके वीडियो है लैसन नंबर 1, 2, 3। स्टॉप एवरीवन लाइन अप हियर स्टॉप। सो आज जो अपने को स्टूडेंट्स आए हैं वो घट ही आए हैं लाइक 7-8 स्टूडेंट्स हैं बचे 3 स्टूडेंट्स एक लाइन में होंगे इनके पीछे पीछे खड़े हो जाओ बाकी यश आप बच्चे इनके पीछे आ जाओ लोरसी आप सेंटर में आ जाओ ओ बी केयरफुल आगे आ जाओ बच्चे आगे आ जाओ बस लोरसी आप भी थोड़ा आगे आ जाओ पीछे हो जाओ इनके एक एक के चेयर बनाओ सबसे पहले बच्चे इनके पीछे आ जाओ यश जैसे करो युवराज की साइड पे आ जाओ युवराज आप आगे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ आपको देख के कर लेंगे यश सेंटर में आ जाओ बच्चे चेयर बनाओ ये होता है हमारा लेसन नंबर 1 जिसको हम चेयर के नाम से जानते हैं बाकी स्केटिंग क्लासेस का पता नहीं बट हम चेयर कहते हैं इसे। इसमें क्या होगा हमारे नीज़ हैं जो जुड़े होने नहीं चाहिए जैसे अभी दिखाता हूँ आपको पीछे देखो बच्चे के जो नीज़ है सेंटर वाले के इसके देखो जॉइंट हैं दोनों नीज़ बड़े जॉइंट नहीं चाहिए बच्चे नीज़ खोलो अपने पैर खोलो दोनों पैर खोलो हाँ वेरी गुड सो लुक फॉरवर्ड सामने देखना है युवराज भैया की तरफ युवराज अपने पैर खोलो बच्चे हैंड स्विंग स्टार्ट कर दो दिस इज द सेकंड लेसन हैंड स्विंग का ये देखो ये बच्चा हमारा गलत कर रहा है हमने पंखा नहीं झेलना स्टॉप हाउ टू स्विंग आर्म्स सो डू विद द राइट वे ओके डाउन स्टार्ट करो सामने की तरफ होनी चाहिए मेरी तरफ देखो डाउन यस वेरी गुड हैंड्स ऊपर तक इसको ना एनर्जी नहीं रखनी इसमें इसको बिल्कुल लाइट रखना है इसमें एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपके आर्म में ठीक है जितना ये ऊपर जाएगा उतना पीछे की तरफ जाएगा वेरी गुड यस ग्रेट ये इसके साथ हमने पंपिंग देनी है ऐसे लाइक 1-2 1-2 ठीक है इसको और इजी बनाने के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है हैंड स्विंग की तो आप इसको 1-2 की एक्सरसाइज से नोट करेंगे डाउन डू स्विंग आर्म्स विद द 1-2 काउंटिंग 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 इज इट क्लियर सो आगे चलते हैं ओपन योर लेग्स बेंड योर नीज बैक योर हैंड्स अपर बॉडी बैंड करो साथ में इनको लेफ्ट राइट रखना है 1-2 1-2 स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 8 लाइक 1-2-3-4-5-6-7-8 8-7-6
5 4 3 2 1. Is it clear? Yes, sir. Do the same exercise with the self counting. Start. 2 1 2 1. So next exercise is same regular almost. So इसमें क्या होगा, जो हमने lesson number 2 hand swing वाला था और ये दोनों mix करेंगे. Hand swing के साथ same exercise करनी है. Start. साइशु आप भी करो बच्चे. Exercise नहीं करनी? करनी है ही नहीं करनी? आ जाओ फिर. आप round लगाते जाओ. Oh, be careful. 1 So stop. Maintain proper discipline. Where is your line? Somit. Yes. Stand in proper line. Okay. Yes, आपकी line कहाँ है बच्चे? डोर्सी के पीछे थे ना आप? डोर्सी के पीछे हो जाओ. रियान आपकी line कहाँ है? Move that side. Yes. Down. Body को पूरा bend रखना है, जितना bend हो सके. साथ में हैंड स्विंग के साथ करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7. स्टॉप. अगर आपकी राइट आर्म आगे आ रही है तो राइट पैर पीछे जाएगा, ठीक है. अगर लेफ्ट आर्म आगे आएगी तो लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, ठीक है. जो लेफ्ट फीट है आपका पीछे जाएगा. यस. सो स्टार्ट करना है विद योर राइट आर्म और राइट हैंड, ठीक है. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. So this after this exercise we start 40 laps. Okay, line up, go back and line up. आप में से कुछ लोग को बोलेंगे कि सर हमेशा 5-6 स्टूडेंट्स की वीडियो लेके आते हैं, बट आपके लिए कल नई वीडियो है वो तकरीबन 40 स्टूडेंट्स होंगे उसमें, तो आप उसमें भी देख लेना प्रॉपर डिसिप्लिन होगा. ये हमारे बच्चे नए हैं सारे, तो इनको डिसिप्लिन अभी सिखाना बाकी है. डाउन हो जाओ, बैंड हो जाओ, डाउन. बच्चे 40 लैप लगाने हैं, ठीक है. 40 लैप लगाने हैं, बट आपका बॉडी लेवल सेम होना चाहिए, बेंड होना चाहिए, हैंड स्विंग होना चाहिए प्रॉपर. इज इट क्लियर? और जो हमने एक्सरसाइज की है इसको अप्लाई करना है आपने जो आपके 40 लैप होंगे, ठीक है. हाँ जी, पैरों वाली. इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट. इज इट क्लियर? सो मूव. सो स्प्रेड. ओए, वेरी गुड. आर यू फाइन यश? व्हाट हैपेंड? लगी? ओहो, आ जाओ. कहाँ लगी मैं देखूँ. आप तो ब्रेव कर लो ना, है ना शैशु? ब्रेव कर लो ना. चलो हम चलें. कहाँ लगी? हाथ भी लगी है, दिखाओ. कुछ नहीं हुआ, ठीक है. ब्रेव गर्ल ऐसे नहीं करती. कीप स्माइलिंग and do hard work. Bend your upper body. Gurnidhan. शायशु से हाय. नहीं है ना? इट्स ओके. सो इस
के बाद जो होगा वो आपको 40 लैप के बाद ही पता चलेगा। तो हम मैं यहाँ पे वीडियो हमारी कट करूँगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एडिट कर देंगे, इसके साथ ही अटैच करेंगे इसी वीडियो की क्लिप के साथ, तो देखते हैं। हाँ जी, तो हमारे 40 लैप डन हो चुके हैं बच्चों के। सो नेक्स्ट अभी इसके बाद होती है हमारी रेसिस। रेसिस में क्या होता है कि इनको बताना होता है कि इनकी क्या क्या खामियाँ हैं, लाइक इनकी कमियाँ बतानी है इनको हमें, और इनको कैसे इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स को, ठीक है, और अपनी क्या क्या मतलब हल्की हल्की जो फिनिशिंग है कैसे आएगी, क्योंकि एक साथ की फिनिशिंग नहीं आती हमारे यहाँ पे, धीरे धीरे आती है कोई भी कवर को, और नॉट ओनली स्केटिंग, जैसे स्केटिंग में के भी काफ़ी पार्ट होते हैं। डाउन डाउन, आज आप मैंने बताया कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आप बच्चों, आपको सिंपल कटिंग करनी है, आपको पुश वाली करनी है, ठीक है, प्रोफेशनल स्टाइल। सो डाउन एंड स्टार्ट। 5 लैप हैं, ठीक, ओके, फाइन, चलता रहता है, वेरी गुड। तो कटिंग का स्टेप देखना था इसका, काफ़ी अच्छा था, इम्प्रूव था, तो आपको मुझे एक जगह दिखाएंगे उसी का स्टेप। सो लाइक अभी मैं स्टैंड करता हूँ, ओ सॉरी, बच्चा आ गया तो कटिंग नहीं हो पाई। डाउन होके हैंड स्विंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि कटिंग की करनी है डोरसी, वेरी गुड, ग्रेट। तो आपको भी कटिंग देखी पा रहे हो कि बच्चे कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। ये सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, कोई इनमें से कोई बच्चा पुराना नहीं है। आप पिछली वीडियोस भी खोल के देख सकते हैं, मोस्टली 1 मंथ हुआ होगा, एक जस्ट सिंपल वीडियो पड़ी डली हुई है फर्स्ट सेकेंड देखिए। यस बच्चे, लास्ट लैप, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई बंधुओं से शेयर जरूर करें। थैंक यू।